हेलो गाइस, को कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट पायरेट आइसलैंड एडवेंचर। तो यार, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने अबेंडेंट वेयर हाउस को एक्सप्लोर किया था, एंड उसके बाद हम लोग एक चर्च को भी एक्सप्लोर करने गए थे, बट वहाँ से अपने को कुछ खास मिला नहीं। बट अभी जो है ना गाइस, मैंने यहाँ पे एक क्रैब देखा जिसके ऊपर एक खजाने की पेटी है। तो मैंने कहा यार, इस क्रैब को मैं मारता हूँ, बट ये नॉर्मल क्रैब से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो भाई, इसको तो आज मैं मार के रहूँगा। रुक जा भाई, जो भी तेरे पास इतना इम्पोर्टेंट सामान है वो मेरे को दे दे। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा भैया, रुक जा, थम जा। बट ये यार थमेगा नहीं, एंड इसको ना मुझे इसी तरीके से मारना पड़ेगा भाई। इसने तो जीना हराम करके रखा हुआ है। एक तुम्हें पता नहीं यार, मैंने तो जब इसकी हेल्थ हाफ हो गई तब रिकॉर्ड करा, जब ये एकदम न्यू था ना। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया भाई इसको मारना किस तरीके से, बट बाद में मैंने एक स्पेयर बनाया एंड उसको इतना कचा कि वो फाइनली यहाँ पे मर गया। बट उससे मेरे को कुछ खास मिला नहीं, और यहाँ पे मेरे को एक बॉक्स मिला जिससे मेरे को थोड़ी सी बोन एंड क्रैप का मीट मिला। तो चलो यार, अभी ठीक है। तो यहाँ पे गाइस, अपना एक पायरेट इस केव के अंदर फंसा हुआ है, सो उसे भी मेरे को बाहर निकालना है। अभी मेरे एक एक पायरेट्स को तो बचा दिया है, तो अभी लगभग अपने को 2 से 3 पायरेट्स को बचाना है। एक पायरेट्स तो इसके अंदर है, सो इसके अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पे बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग इसके अंदर जाके उस पायरेट्स को बचा पाएंगे। बट इस वाले एरिया को मैं कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो अभी जो है ना गाइस, हम लोग चलते हैं फटाफट से ये वाला एरिया एक्सप्लोर करके आएंगे, एंड यहाँ देखते हैं यहाँ अपने को क्या नई चीज़ मिलेगी। वैसे मेरे पास एक फ्रीजर मैप भी है, तो अभी हम लोग वो जगह एक्सप्लोर नहीं किए, क्योंकि अभी अपने को उस जगह एक्सप्लोर करने के लिए यार काफ़ी ज़्यादा काम करना है। बट कोई नहीं, आज हम लोग ये जगह एक्सप्लोर करके आते हैं। सो यहाँ पे क्रैप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, तो क्रैप्स तो मैंने यहाँ पे लगभग मार दिए हैं। बट यहाँ पे यार इस जगह के रखवाली कुछ कर रहे हैं, सो मेरे को यहाँ पे डेफिनेटली एक्स का मार्क आ रहा है। तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है यहाँ पे अपने को कोई ना कोई पायरेट्स मिलेगा, जो कि यह स्केलेटन्स ने अपने कंट्रोल में लेके रखा हुआ है। तो मैं फटाफट से जितने भी स्केलेटन्स है ना, इनको बचाता हूँ। बेटा निकल यहाँ पे। तो ये तो गया। अरे भाई, ऊपर पायरेट बैठा हुआ है, बट पायरेट को बचाने से पहले इसको बचाना पड़ेगा। ये जॉम्बीज पायरेट, इसको मारता हूँ। इसके वजह से तो ना यहाँ पे काफी ज्यादा आतंक मच रखा है। रुक जा, निकल बेटे यहाँ पे से बाहर। ले बेटे, वैसे इसका हेल्थ काफी ज्यादा है, ये मर भी नहीं रहा। अबे क्रैप मार रहा नीचे से। रुक जा, तेरे को स्पीयर से भरूंगा। क्रैप क्यों मार रहा है भाई, रुक जा। ये तो गया गाइस, बट अभी क्रैब आ रहा है नीचे से, इसको क्रैब को भरता हूँ पहले। निकल बेटे तू बाहर। वैसे मेरे को तेरा अभी मीट वगैरह तो नहीं चाहिए, मिला भी नहीं, चाहिए भी नहीं और मिला भी नहीं। तो चलो यार, अभी हम लोग चलते हैं सीधा अंदर। बट मेरा हेल्थ जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मैंने कहा थोड़ा सा यार अपना हेल्थ वगैरह रिकवर करता हूँ, एंड अपने के लिए कुछ वेपन्स वगैरह बनाऊँगा। तो वेपन बनाने के लिए मेरे पास इतना रिसोर्सेस नहीं है, बट इतना रिसोर्सेज है कि मैं जो अपने वेपन्स हैं उनको रिपेयर कर सकता हूँ। तो मैंने फटाफट से यार अपने वेपन्स वगैरह रिपेयर किया है। जी हाँ, गोल्ड कॉइन्स तो लग रहा है, बट कोई नहीं, चलता है। तो यार यहाँ पे एक पायरेट बैठा हुआ है ये झोपड़ी के ऊपर, बट उसको बचाने से पहले मेरे को इसको मारना पड़ेगा। वैसे भी हेल्थ इसकी काफ़ी कम है, बट निकल। ओके, अब कूद जा नीचे। अबे ओए, आराम से टांग टूट गई इसके, मर गया भाई ये पायरेट। तब इसको एक बैंडेज चाहिए और एक चिकन चाहिए। तो देखता हूँ यार कहीं पे मेरे को बैंडेज एंड चिकन वगैरह मिलेगा। मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास बैंडेजेस तो हैं बट चिकन नहीं है। तो यार अभी अपने को चिकन ढूंढना है। अरे भाई ये कहाँ से आ गए, इनको मारने के लिए मेरे को डेफिनेटली यार कोई नया वेपन बनाना पड़ेगा, इनको मैं मार पाऊँ। तो एक तो मैंने मारा, बट ऐसे करते हैं इसको यार चिकन, मेरे को चिकन तो अभी यार पीछे से कहाँ से आ गया। इसने लिटरली यार मेरी हेल्थ ना आधी से भी आधी कर दी है। यहाँ एक नहीं दो दो हैं, भाग बैठे यहाँ से बाहर। तो अभी तो यार अपन लोग भाग रहे हैं, इनको स्पीड से मारने का ट्राई करता हूँ। वैसे एक तो गया, इसको मारने में गाइस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ट्राई करते हैं। ट्राई करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, और जीत भी कभी नहीं होती। हाँ
जीत भी हो ही जाती है, बट ट्राई करने करने के बाद, बट हार कभी नहीं होती क्योंकि वो हमेशा ही हारता रहता है, तभी तो इतना ट्राई कर रहा है। तो चलो यार अभी मैं देखता हूँ इनको मारने के लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा। वैसे ये नाइफ है, स्टोन का नाइफ, नाइफ तो सही नहीं है यार, नाइफ मेरे को बढ़िया नहीं लग रहा है नाइफ को अनलॉक करना। ऐसे करते एक तलवार अनलॉक करते हैं, स्टोन की करेंगे ना, स्टोन की स्वॉर्ड, या फिर स्टोन का नाइफ करें, या फिर स्टोन की स्पीयर। तो ऐसे करते हैं स्टोन की स्वॉर्ड को अनलॉक करते हैं। तो चलो यार हम लोग फाइनली, मैंने डिसाइड कर लिया स्टोन के स्वॉर्ड मैंने यहाँ पे अनलॉक किया, एंड साथ के साथ हम लोगों ने एक बनाने के लिए भी रख दी है, एंड उसको बनने में डेफिनेटली यार 1.5 मिनट लगेगा। तो अभी अपने को थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, जैसे अपनी स्टोन की स्वॉर्ड बनेगी ना वो लेके चलेंगे, एंड एक बार ही हम लोग डैमेज वगैरह तो देखेंगे इससे अपने को क्या मिला। ओके थोड़ा सा मेरे को बनानास मिले एंड स्टोन, और इसके अंदर चलता हूँ मैं, इसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ खास लूट तो होगा। ओके ये क्या है पता नहीं, चलो एक मेरे को लालटेन मिला, डेफिनेटली ये उजाला करने के काम आएगा। चलो यार और तो यहाँ पे कुछ है नहीं, एंड अभी एक झोपड़ी वहाँ पे की बची हुई है उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक गाइस मेरे को ये लग रहा है बैंडेजेस एंड चिकन्स जो है ना ये झोपड़ी के अंदर है, सो मुझे अंदर जाना है, वहाँ से सामान उठाना है, ये सारा का सारा सामान जो है ना अपने को देना है ये पायरेट को। बेचारा यार मर गया है, वैसे इस चिकन को मार के देखता हूँ इससे मिलेगा मेरे को चिकन की बोटी। भाई नहीं मिली चिकन की बोटी, नहीं मिली मेरे को। तो ऐसे करते हैं यहाँ पे से हम लोग चलते हैं अंदर, एंड अंदर देखते हैं। अरे तेरी भैंस की टैंक, आ जा। वैसे यार इसको डैमेज इससे तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल जो हम लोग डंडे से मार रहे थे और स्पीयर से मार रहे थे उससे डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, 10%। चलो यार अंदर चलते हैं। ओके यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा चिकन का मीट मिला, मेरे बटेरे बैकपैक में जो है स्पेस नहीं है, थोड़ा सा हमें जो है ना इसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, एंड जो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं। सबसे पहले जो है ना अपन को उठाने चिकन, क्योंकि अपने को वो पायरेट को देना है। वैसे मैंने एक पायरेट बचा लिया अभी, एंड इसको हम लोग चिकन दे देंगे तो डेफिनेटली ये भी बच जाएगा। क्या खा लूँ मैं इसको? अगर खा लिया तो वो पायरेट बचेगा नहीं, बेचारा मर जाएगा, गालियाँ देगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाना वगैरह है सारा के सारा उठाता हूँ, एंड चलो तो यहाँ पे मेरे पास चिकन एंड बैंडेजेस हैं। तो देखता हूँ भाई जगिया ही है, इसने मेरे को कुछ ना कुछ तो दिया, इसको ओपन करते हैं। भाई इसने काफ़ी बढ़िया सामान दिया, और हाँ यार अभी मेरे को सिप भी अपग्रेड करना है। सो सिप अपग्रेड करने के लिए ना मेरे को क्लॉथ चाहिए, तो क्लॉथ यार अपने को जो यहाँ पे मॉन्स्टर है ना उनको स्वॉर्ड से काटने से मिलेगा। तो करते हैं अभी सारे के सारे को मारेंगे, छोड़ना नहीं है किसी को। आ जा बेटे तू निकल बाहर। तो देखो गाइस अभी हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसका बैकपैक खोलेंगे, एंड इनसे जो है ना अपने को मिलेगा क्लॉथ। तो कम से कम मेरे को 10 से 12 क्लॉथ चाहिए, एंड इतने में तो काम बन जाएगा अपना। एंड इनसे मेरे को रेसिपी अनलॉक करने वाले फ्रेगमेंट्स भी मिल रहे हैं। भाई 3 क्लॉथ मिला, आ जा भाई एक तू बचा हुआ है, निकल निकल तू भी बाहर। चलो ठीक है, इससे मेरे को क्लॉथ नहीं मिला, रोप मिले। तो यहाँ पे गाइस जितने भी थे मैंने सारे के सारों को मारा, एंड उसके बाद यार मैं काफ़ी दूर गया था एक्सप्लोर करने के। ये देखो भैया इसमें तो पूरे कपड़े पहने हुए, एकदम पायरेट लग रहा है, बट यार ये स्केलेटन वाला पायरेट है, मतलब हरामी पायरेट। इनसे मेरे को एक क्वाइन मिला, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे निकले, और यहाँ पे जो है ना मेरे को एक क्रोकोडाइल दिखा। मैंने कहा यार अभी क्रोकोडाइल से पंगा वगैरह लेके तो फ़ायदा है नहीं, ऐसे करते हैं हम लोग फटाफट से जो है ना चलते हैं सीधा अपने बेस में। तो यहाँ पे मेरे को कुछ डेली के रिवॉर्ड्स वगैरह मिले, एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक पायरेट को भी बचाया था उसका भी मेरे को रिवॉर्ड मिला, एंड अभी अपने को एक फीमेल पायरेट्स को बचाना है तो उसे ढूंढेंगे। एंड उसके बाद यार मैं रिसोर्सेज वगैरह फार्म किया, एंड अभी हम लोग आए बेस में, क्योंकि अपने को अपना सिप जो है ना वो नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड करना है। तो चलो गाइस यहाँ पे अपना सिप जो है ना एक और नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड हो चुका है, एंड जैसे अपना सिप बनेगा तो हम लोग ये वाले आइलैंड से निकलेंगे सीधा अपनी एक सिप की जर्नी में। तो बूम गाइस अपनी सिप वगैरह बन के रेडी हो चुकी है, एंड अभी मेरे को चाहिए एक एंकर।
तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो एंकर है ना अपने को वो उधर मिलेगा जिधर केव के अंदर पायलट गया है बट वो पत्थर में ढक चुका है। तो भाई अब मेरे को उसको निकालने के लिए सामान वगैरह जमा करना पड़ेगा, बॉम्ब की रैक अनलॉक करनी है। मज़ा आएगा यार अभी बॉम्ब बनाने के बाद, फिर हम लोग उसको छुड़ाने जाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने के लिए वुड वगैरह कलेक्ट करने लगा था क्योंकि मुझे बनाना है अभी अपने के लिए बेस। और जो अपना पहले वाला बेस था वो तो मैंने गाइस गलती से तोड़ दिया था क्योंकि मुझे कुछ करना था यहाँ पे। बट कोई नहीं, अभी हम लोग जो है ना, पहले हम लोगों ने 1x2 का बनाया था, अभी हम लोग 2x2 का बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग पूरा का पूरा बना के रेडी तो हो चुका हूँ, बस मेरे को यहाँ पे सीलिंग प्लेस करना है। तो फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ पे सीलिंग प्लेस करते हैं एंड सीलिंग प्लेस करने के बाद हम लोग आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। बट तो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड अब मन करे तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं गाइस हम आपसे एक और नई वीडियो में। तो अभी यार मेरा फूड एंड वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है तो मैंने डिसाइड करा चलो यार अभी हम लोग थोड़ा सा अपने के लिए फूड वगैरह कुक करते हैं, खाना वगैरह खाएंगे एंड खाना 100% करने के बाद बस आज के वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। भाई निकल गया खाना बाहर। अरे भाई दो निकल गए, इनको फटाफट से अपने बैकपैक में रखता हूँ, खाता हूँ और बस। चलो एक मेरे पास यार रिब्स भी हैं, ये किसकी? आई थिंक बोर की हैं क्योंकि बोर हम लोगों ने मारा था ना बड़ा वाला, उनसे मिला मेरे को। चलो यार यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खा के एकदम टैन मैन हो चुके हैं और दो क्रैप्स पक रहे हैं यहाँ पे जिसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो एक बार हम लोग जो है ना अपना सिप को अंदर से देख के आते हैं। अभी यार मेरे को एक लेवल अपग्रेड करने के और क्या चाहिए होगा वो देखते हैं। भाई लगभग अपना सिप का ढांचा तो बन के रेडी हो गया है एंड अभी अपग्रेड करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो भाई वुड चाहिए, एंकर चाहिए, एंकर मेरे को वहीं से मिलेगा। तो चलो यार अब हम लोग एंकर का जुगाड़ करेंगे अंदर जाने का। सो चलो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड बस आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सो बाय बाय।